क्योंकि मौत को जरा सा भी वैल्यू नहीं देते, मानते हैं। दुनिया में दो ही लोग मौत से नहीं डरते हैं, एक जो लोग सेना में, माना पुलिस वाले, आप भी सेना में रिक्रूटिंग आपको कर देते हैं। दुनिया में दो ही लोग मौत से नहीं डरते हैं, एक लोग जो सेना और सिपाही में है और दूसरा लोग जो बागी, हम लोग बागी। बागी को भी मौत से डर नहीं लगता। बागी यानी भगत सिंह, बागी यानी बिरसा, बागी यानी निर्मल, बागी यानी चंद्रशेखर आजाद, बागी यानी बोस, बागी यानी अस्पाक अली खान। बागी को भी मौत से डर नहीं लगता है, हम लोग बागी हैं। हाँ, हम बागी हैं सिस्टम के बागी। बागी डर सबको लगता है, कंपनी वालों को भी लगता है, नहीं तो बोलिए सामने आए, खाली बोलिए सामने आए, मिलना चाहते हैं। और जाइए उतना छोड़िए, अप्रेंटिस सन नहीं, आप बोलिए अप्रेंटिस सन नहीं, वन टू वन आपके लिए टाइगर मिलना चाहते हैं। नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको मौत से डर लगता है। हम मानते हैं आपको मौत से डर नहीं लगता है, क्योंकि जब मान के चले यहाँ कुछ हुआ, अगर इनमें से कुछ अगर ढेला पड़ा चल गया, आपको भी जीवन का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप मौत से नहीं डरते हैं। क्यों ना, आप सेना में सिपाही में है, और हम लोग को भी मौत से नहीं डर लगता है, क्योंकि हम लोग भागी। दो ही लोग हैं जो दुनिया में मौत से नहीं नहीं, बाकी तीसरा अगर बोलता है झूठ बोलता है, बोलता है मोदी जी भी झूठे बोलते हैं। अरे अपना खास कार का गाड़ी है जिसमें बम मारने से कुछ नहीं होगा तो गोली दूर का झूठ बोलते हैं। मौत है विस्थापित लोग नहीं डरता, क्या पता बीच में से कोई वो यहाँ यहाँ और यहीं टूटे भागकर मर जाएगी, आपका भी गोली चल जाएगा, पॉसिबल है कि नहीं? यदि इस भीड़ में कोई कंपनी का आदमी, कंपनी बहुत बढ़िया लोग होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इज इक्वल टू बोकारो स्टील लिमिटेड, यदि इन लोग यहाँ गोली चला देता है, आपको नहीं देखेंगे सीसीटीवी, आप सीधे लाके जांच करेंगे, पॉसिबल है पूरी जांच करेंगे, क्योंकि बहुत क्या तले बंदूक भी है, इसे देखिए दादा लेके आए, आप गोली चला देंगे, यानी मौत का डर है, मौत का डर आपको भी नहीं है, मौत का डर उनको है जो आपको यहाँ दो घंटा से खड़ा रखे, चार घंटा से। आप भी ड्यूटी में चले जाए, देखते हैं उनको मौत का डर लगता है कि नहीं लगता। चले जाए ड्यूटी, बोले कि हम लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, इन लोग तो भाई स्टूडेंट है, इन लोग कुछ नहीं करेगा, खाली धरना में आया, यकीन मानिए लघु संघ कर लेगा उनको। चले अपने खाली पर घुमा घुमा, हायर सर्विस में ले गए स्पेशली हम लोग के लिए, क्या सर क्या सर, हम लोग फूल का माला ले गए, लगाइए फूल का माला, देखिए सर हम लोग आप लोग के लिए फूल का माला, ये गांधी का देश है कि नहीं, एक सवाल है, दिस कंट्री ऑफ महात्मा गांधी, ये फूल का देश है कि नहीं, तो हम तो आपके लिए फूल की माला लेकर आए हैं, आप फायर ब्रिगेड लेके आए हैं क्या सर, गला दीजिएगा हार मांस को गला दीजिएगा, यदि आपको खुशी मिलता है तो गलाइए देश में साहब, देखिए आप बिल्कुल आपके गले का साइज से हम लोग फूल का माला लेके आए हैं। माननीय डीएसपी साहब, हम लोग तो आपके गले के साइज का फूल का माला लेके आए हैं, आप लाठी डंडा बंदूक लेकर आ गए, क्या मिलेगा? फिर आप लोग भी हमें खाली डराने के लिए आए हैं, बाकी आप लोग परमिशन नहीं है, और आप लोग भी सोचते हैं छोटा बच्चा है डर जाएगा, है छोटा छोटा, वो गाना सुने थे छोटा बच्चा जान समझ के ना टकराना, ले टिक टिक डर जाए। तो दादा, क्योंकि हम लोग भी चाहेंगे शांति समय धरा के लिए हमें बैठेंगे, रात को यहीं रुकेंगे, कंपनी वाला को बोलिएगा कि केस का प्रयोग करें, जो 50 लीटर लोग ऐसे मर जाए, मैं तो डॉक्टर लिखकर लिख, हवा का रुख रुख बदला, और ये मारे गए आप लोग दोषी नहीं, बाकी अकील मानिए। अंत में फिर इतना ही कहेंगे, हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई जितने भी लाठीदारी डॉक्टर हैं उनसे, ये लाठी आपको हम हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई पीएसएल के सिस्टम से है, प्रबंधन से है, जो बिल्कुल बहुत ही अन्यायकारी, दमनकारी और तानाशाही,
ये कहीं का कानून नहीं है कि आप जमीन विस्थापितों से लेंगे और उसमें गैर विस्थापितों को बसाएंगे। यहाँ देखिए कितना कितना आपका मकान अलॉटमेंट किया गया, कितना कितना आपका दुकान अलॉटमेंट किया गया, मात्र 4% विस्थापितों को मिला। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से आज इस विस्थापित अप्रैक्टिस संघ धरना के माध्यम से मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से लोकतंत्र के और एक स्तंभ कार्यकारिता की उपस्थिति में मैं इन कंपनी मैनेजमेंट को यह संदेश देना चाहूंगा कि जो भी नियम पूर्व में निर्धारित किए गए थे 45 वर्ष की आयु सीमा फोर्थ ग्रेड में विस्थापितों को रोजगार और साथ ही साथ ठेकेदारी में भी 50% और तमाम चीजें जो भी विस्थापित क्षेत्र में स्कूल कॉलेज खुले हैं, अस्पताल बने हैं, उनमें विस्थापितों को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज इत्यादि प्रबंध करते हुए आप पीएसएल को चलाइए। 50 साल से चला ही रहे हैं और 500 साल चलाइए, लेकिन यदि बात नहीं बनती है तो याद रखिएगा यही झारखंड की माटी, इसे कभी मानभूम कहा जाता था, इसी मानभूम में अनगिनत विद्रोह हुए हैं। अरे अंग्रेजों की आधुनिक हथियार का हमने मुकाबला किया है, तो आप भी मुकाबला कर रहे हैं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इस बात को सुनिश्चित रखिएगा। हालांकि पब्लिकली नहीं मिलेंगे, नौकरी का सवाल है, चुपे चुपे बना दीजिएगा अपने ही, हाँ रख लीजिए। तो हम आपके लिए फूलों की माला लेकर आए हैं, फूलों का हार लेकर आए हैं और आपसे अपेक्षा कर, क्योंकि ये हमारा जन्मिन अधिकार है, आप भी बीएसएल का गाइडलाइन करिए। आप भी जो बीएसएल का गाइडलाइन है उसको स्टडी कीजिए, उसमें साफ शब्दों में जिक्र है कि जब तक चिमनी का धुआं रहेगा तब तक विस्थापित परिवार में नौकरी रहेगी और रहना चाहिए, इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ये हमारा खेत था, इसमें हम जीवन भर खाते और आज भी खाते, इसलिए ये रहना भी चाहिए कि जब तक धुआं तब तक नौकरी। जैसा सोविन की जानकारी है, बड़ा दुख के विषय, झारखंड एक ऐसा प्रदेश, झारखंड एक ऐसा राज्य जहाँ हमेशा लोग सदियों से अब हेलना शोषण और हमेशा यहाँ नरसंहार करल गया, बिल्कुल इतना एगो नरसंहार है। आज 84 गांव इतना अपना जमीन के अधिग्रहण, जबकि जानकारी होना चाहिए मात्र 2 गो मौजा में बीएसएल की स्थापना संभव है, बाकी इतना 60 गो मौजा के अधिग्रहण कहीं न कहीं बेईमानी नीति के तहत निकल गया। तो आज जितना भी अप्रेंटिस संघ के साथ साथ, क्योंकि विस्थापित की लड़ाई बहुत लंबा है, यानी हम चाहते मौका मिल रहा है, इस मौका के भुनावल जाए और तमाम मुद्दा, केवल अप्रेंटिस के ही मुद्दा ना है, तमाम मुद्दा जगह में विस्थापन के बाद आए, सबसे एक जगह इंक्लूडिंग करते हुए एक बिहार एक जोरदार आंदोलन की तैयारी करना चाहे, जगह में 84 गांव के अगर 8400 लोग नहीं रहता है तो 8400 लोग एक्स्ट्रा को समर्थन करते तमाम सबसे बेहतरी है, बाकी प्रशासन अपन काम करे, हम ही अपन काम करबे, इस धरना के सफल बनाना है, इस आंदोलन के सफल बनाना है, हर अपन यहाँ का अधिकार लगाए, अगर लूट के लेना है, अगर छीन के लेना है, चाहे परिस्थिति जो भी है। तो विशेष ज्यादा ना हमारे पहले बहुत सारा वक्ता के लिए बहुत सारा बात कहला।